वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट स्टडी करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इस वीडियो में लास्ट तक बना रहिए, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स का कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से ये वीडियो कंटिन्यू आपने देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द लॉजिक गेट्स। अगर आप किसी भी बेसिक सर्किट को बनाने चाह रहे हैं तो उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं लॉजिक गेट्स। अपने लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल सर्किट। कोई भी आप सर्किट बनाओगे डिजिटल सर्किट, सो लॉजिक गेट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। ओके, ये आपकी डेफिनेशन है। तो बेसिकली हमारे लॉजिक गेट्स दिए हुए हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स एंड नॉट नॉर, यूनिवर्सल नैंड एंड नॉर। व्हाई वी कॉल्ड यूनिवर्सल, क्योंकि हम नैंड और नॉर से बाकी जितने भी गेट अपने बच के वो सारे बना सकते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। समझ गए? नैंड गेट से आप एंड भी बना सकते हो, नॉट बना सकते हो, नोर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट इज अदर लॉजिक गेट्स कैटेगरी में हमने एक्सोर और एक्सनोर गेट को रखा है। सो ऑल लॉजिक गेट्स यू नो, एंड गेट, नॉट गेट और नैंड, नोर, एक्सोर, एक्सनोर, सेवन लॉजिक गेट्स आर। द नेम्स आर एंड गेट, नॉट गेट और नैंड, नोर, एक्सोर, एक्स नोर। ओके, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, उनका आईसी नंबर अगर आपको चाहिए, बाकी आपको थ्योरेटिकली तो आपको कोई नीड नहीं है उसकी। नोट गेट इज योर बेसिकली, आई एम 74 सीरीज, 7404। ओके, एंड गेट 7408, 74 सीरीज फॉर टू इनपुट गेट। ओके, 74 सीरीज में जो होता है आपका दो इनपुट होती हैं, और उसके बाद आपकी एन टाइप्स ऑफ इनपुट आप यूज कर सकते हो इन गेट्स में, लेकिन 74 सीरीज जो होती है वहाँ पे आपको सिर्फ दो इनपुट मिलेंगे। ठीक है, और गेट के लिए आपको चाहिए 7432, नैंड गेट के लिए आपको चाहिए 7400, नोर गेट के लिए चाहिए आपको 7402, एक्सोर के लिए चाहिए आपको 7486। देन एक्सनोर के लिए या तो आप ऐसा कर लो 7486 प्लस नॉट गेट, एंड नॉट गेट क्या इसी आपके पास क्या है 7404, आपका नोर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देन सिंपली एंड गेट में आपका सपोज दिस इज 7400 सीरीज बेसिकली। ओके, 7400 सीरीज में आपका दो इनपुट होती है और एक आउटपुट आपकी होती है। इसमें आपका डॉट प्रोडक्ट चलता है, इसकी जो आउटपुट रहेगी y इज इक्वल टू ए डॉट बी, आपका ये फार्मूला रहेगा। मतलब ये जो आपके दोनों इनपुट है इन दोनों का मल्टीपल ही आपका आउटपुट आएगा। जैसे 0 × 0 इज इक्वल टू 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। इफ एनी इनपुट इज 0 देन रेस्ट आउटपुट विल बी 0। दोनों इनपुट आपके हाई होनी चाहिए, तभी आपकी जो आउटपुट आएगी वो हाई आएगी। ओके, क्लियर?
नैंड गेट इज क्लियर, नो इशू। आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, इससे आपका सभी टेबल आपकी इन फार्मूलों से बन जाएगी। हर गेट्स के लिए मैं एक फार्मूला बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, उससे आप सारी टेबल आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैंड गेट के लिए आपका आ गया ए डॉट बी, आउट वाई इज इक्वल टू वाई इज द आउटपुट। ओके, नेक्स्ट इज नॉर गेट, दिस इज द ओर नॉर गेट, देन ए बबल इज हेयर। फार्मूला, इसका फार्मूला आप करेगा ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार मतलब आप इन दोनों का ऐड करो, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, देन उसका बार, दैट मीन जीरो प्लस जीरो। हमारी इनपुट ए है और बी है, दो इनपुट मैंने यहाँ पे दे दी, जीरो और जीरो, ठीक है। तो वाई यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो प्लस जीरो का बार, मतलब जीरो प्लस जीरो जीरो रहेगा और जीरो का बार ये आपका आ जाएगा वन। ये जीरो आ गया और जीरो का बार ये आ गया आपका, ए प्लस बी का बार है ना, ये आपका आ गया वन, ए प्लस बी बार, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है, इससे आप पूरे टेबल आप बना लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लियर है। लास्ट वाला केस देख लो आप, वन प्लस वन, वन प्लस वन बेसिकली इज इक्वल टू इन ओर गेट इज वन एंड देन बार, इसका बार जब आप लोगे वन का बार तो ये जीरो रहेगा और ये आपका आंसर जीरो है। तो सबसे मेन जो है आपको ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ओर गेट। ओर गेट में बेसिकली आपका बबल यहाँ पे नहीं रहेगा जो लास्ट स्लाइड में था, यहाँ से बबल हमने हटा दिया है, इसमें बार भी आपका हट जाएगा, बबल मीन्स बार, बार हट गया आपका, सिंपल ए प्लस बी रहेगा। जो आपने ए में दिया है, मान लो जीरो दिया है मैंने और यहाँ पे भी जीरो दिया है, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ओके। देन वन वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू इनोर गेट, वन प्लस वन इज इक्वल टू वन, रेस्ट इन द डिजिटल सर्किट यू कंसिडर वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ओके। आप बाकी कहीं पे भी आप एडिशन करोगे या कुछ भी करोगे, आपको वहां पे वन प्लस वन आपको जीरो लेना है, लेकिन सिर्फ ओर गेट के केस में अगर आप ओर गेट डिस्कस कर रहे हो तो वन प्लस वन आपको वन लेना है। नैंड गेट, नैंड गेट, द सिंबल ऑफ द नैंड गेट इज दिस, फार्मूला फॉर दिस इज ए डॉट बी का बार, मतलब जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो डॉट जीरो का बार, जीरो का बार, और फिर आपका आ जाएगा ये जीरो का बार होता है वन रिवर्स। तो आप देखो जब आपके दोनों इनपुट जीरो हैं तो आपके आउटपुट क्या आ रही है, वन आ रही है। अब मैं दोनों इनपुट वन वन डाल देता हूँ, वन डॉट वन उसका बार, वन इंटू वन वन होता है, फिर उसका बार रह गया, फिर वन का बार इज इक्वल टू जीरो। जब आपके दोनों इनपुट वन वन है तो आपके आउटपुट जीरो है, क्लियर है। तो सबसे मेन आपका है ये फार्मूला ए डॉट बी बार। नेक्स्ट इज नॉर गेट, नॉर गेट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, नो इश्यू। सो इन दिस मेन पॉइंट इज यू, आप ये जो गेट्स है ना, आप एन टाइप ऑफ इनपुट आपके पास हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, दो चार छः सात आठ, ओके। आप कितनी भी इनपुट का गेट बना सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप टेबल भी बना सकते हो। जब आपको फार्मूला पता है, मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार इनपुट है,
उन सभी को चारों को ऐड करना है, उसको बाहर कर देना है। अगर आपके पास पांच इनपुट है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सभी को ऐड कर देना है और उसको बाहर कर देना है, ये नोर गेट है। आपके पास 10 भी होगी तो 10 के 10 को आप ऐड कर दो और फिर उसका बाहर कर दो। 20 होगी, 30 होगी, ये आपने देखना है। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए नोर गेट के लिए, एक्सोर गेट। ये एक्सोर गेट का सिंबल है और एक्सोर गेट की टेबल आप तभी बना पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, टेबल में कोई भी इशू आपको नहीं आएगा किसी भी टाइप का। ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार, नो इशू। जैसे मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ इसकी टेबल, ए बी ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार देन वाई। ओके, एडिशन ऑफ बोथ दिस, इन दोनों का एडिशन हम वाई ले लेंगे। ठीक है, मैंने 0 1 0 1 00 01, ए का बार करो पहले, 1 1 1 1 0 0, बी का बार करो 1 0 1 0। ठीक है, अब आप करो ए बार डॉट बी, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो आप, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। ठीक है, फिर ए का और बी बार का मल्टीप्लाई करो, ए ये हो गया अपने पास और बी बार अपने पास हो गया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 1 0 0 0 0, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 इंटू 1, दोनों की गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 और यहाँ पे है 0, तो ये आपका 0 हो गया। अब y के लिए आपको इन दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर दो आप, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। मतलब आप ये देखो, जब आपके दोनों इनपुट सेम है, यहाँ पे जैसे इस केस में जब आपके दोनों इनपुट सेम है यहाँ पे, तो आपके आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब आपकी इनपुट दोनों अलग अलग इनपुट है, तब आपके आउटपुट हाई आ रही है, बस आपको याद रखना है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है, आपको टेबल का पता लग गया, फार्मूला से कैसे टेबल आपने बनानी है। बिल्कुल आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से चलो आप, ये पूरा कंप्लीट कर जाओगे। द नेक्स्ट इज एक्स नोड, एक्स नोड सिंपली आप इसको ऐसे डिजाइन कर सकते हो, आप एक्सोर गेट ले लो, एक्सोर ले लिया, देन इसके आउटपुट को आप नोट गेट से पास करा दो, देन जो ये है ये एक्सनोर गेट आपका बन जाएगा। ठीक है, इसका भी फार्मूला आपने याद रखना है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार प्लस ए डॉट बी। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, इसी फार्मूले से आप ये सेम टेबल जैसे मैंने लास्ट में बनाई थी, आप ये बना सके, चेक कर सकते हो। बट इसमें क्या है, ये सिर्फ नोट लग गया ना एक्सोर के बाद में, तो जो एक्सोर की टेबल है ना, उसका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। मतलब जब हमारे सेम इनपुट रहेगी ना, तो आउटपुट आपकी हाई आएगी। ठीक है, एक्सोर का उल्टा हो गया, और जब हमारी इनपुट डिफरेंट रहेगी तो आउटपुट आपकी लो रहेगी, ये एक्सोर का उल्टा है एक्सनोर। क्लियर है, तो इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो बहुत ज़रूरी है अभी के लिए, और मेरी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।